प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर आया खराब मौसम। बेमौसम बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि ने किसानों और आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया था। ऐसे में सरकार को न केवल किसानों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाना था, बल्कि आर्थिक रूप से बेहाल किसानों को हौसला भी देना जरूरी था। सरकार ने बिना वक्त गंवाए दोनों मोर्चों पर काम करना शुरू किया और हालात का सही सही जायजा लेने के लिए अपने कैबिनेट मंत्रियों को सीधे किसानों के बीच भेजा। वित्त मंत्री अरुण जेटली राजस्थान पहुंचे तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह बुंदेलखंड। वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश की ओर रुख किया तो नितिन गडकरी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंचकर किसानों के दर्द को समझा। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के जरिए पूरे देश के किसानों को संबोधित किया और उनको भरोसा दिलाया कि हर हालात में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। छोटा किसान जो बेचारा इतनी कड़ी मेहनत करके साल भर अपनी जिंदगी गुजारा करता है, उसका तो सब कुछ तबाह हो गया है। मैं इस संकट की घड़ी में आपके साथ हूँ। सरकार के मेरे सभी विभाग राज्यों के संपर्क में रह करके स्थिति का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। मेरे मंत्री भी निकले हैं, हर राज्य की स्थिति का जायजा लेंगे। राज्य सरकारों को भी मैंने कहा है कि केंद्र और राज्य मिलकर के इन मुसीबत में फंसे हुए सभी किसान भाइयों बहनों को जितनी ज्यादा मदद कर सकते हैं वो करें। मंत्रियों से हासिल रिपोर्ट के आधार पर सरकार तुरंत हरकत में आई और चंद दिनों के भीतर ही ऐलान कर दिया गया कि जिन किसानों की फसल 33% बर्बाद हुई है उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। पहले 50% फसल खराब होने पर ही मुआवजा दिया जाता था, साथ ही सरकार ने मुआवजे की राशि को 1.5 गुना बढ़ा दिया। तमाम सरकारी औपचारिकताओं को दरकिनार करके जिस तरह से केंद्र सरकार बुरे वक्त में पीड़ा झेल रहे किसानों के साथ खड़ी मिली, उसका सीधा लाभ किसानों को मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की पीड़ा से खुद को जोड़ा और समस्या का व्यवहारिक हल निकालकर ये साबित कर दिया कि अगर इरादे हों तो बड़ी से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। अजय विक्रम सिंह, DD News।